नमस्ते आप सबको, वेरी वेरी वार्म वेलकम लालन टॉप में। वेलकम क्यों? क्योंकि वेलकम के जो स्टार है, अनफॉरगेटेबल एक सीन है उसमें, आपको याद होगा जिसमें टांग नकली है उसके बारे में बात हो रही, वही सीन के एक्टर मेरे साथ आज है। और अगर सीक्रेट गेम्स आपने देखी है आप भूल ही नहीं पाएंगे वो कैरेक्टर, कि सब मर जाएंगे, कौन बचेगा? जी त्रिवेदी, करेक्ट। तो आज मेरे साथ ये दो स्टार्स हैं, ये बहुत बड़े कलाकार साथ आए हैं एक सीरीज के लिए जो वूट पर अवेलेबल है, ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है, आप फ्री में देख सकते हो। शो का नाम है छोला चाप, डायरेक्ट किया है ज्योति प्रकाश जी ने, और उस शो के बारे में हम बात करेंगे। इनके करियर जर्नी, इतना सारा इन्होंने काम किया है, सब चीज डिस्कस करेंगे सिर्फ यहीं पे लालन टॉप मेरे साथ जीशा। हेलो सर, वेलकम, आपका स्वागत है लालन टॉप में, लालन टॉप सिनेमा में। तो मुश्ताक खान जी और चितरंजन त्रिपाठी जी आज मेरे साथ हैं। मैं जानना चाहती हूँ पहले आपकी, ये शो को आपका रिस्पांस कैसे मिल रहा है, बाकी लोगों ने इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिला है आपको? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिला है। एक्चुअली फीडबैक तो वहीं से मिलना शुरू हो गया था जो इनका जो पोस्टर बना हुआ था, यू नो, एंड झोला छाप अपने आप में ये एक फीडबैक है। जैसा कि मैंने भी सुना था और भी लोगों को मालूम है इस बारे में कि इस तरह के डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री नहीं होती और वो डॉक्टरी करते हैं और किस तरह लोगों का और समाज का नुकसान करते हैं, तो फीडबैक तो मिल गया था वहाँ से। उसके बाद जब ये रिलीज़ हुई वूट पे, तो मेरे घर सबसे पहले तो मुझे, मेरे रिश्तेदारों से मुझे फ़ोन आया कि भाई बहुत अच्छे लगे सीन साहब के, और कहानी अच्छी, बड़ी अच्छी है, गाँव की कहानी है और रियलिटी है इसमें। और जैसे कि ज्योति जी ने हमको बताया था कि ये उड़ीसा की एक रियल घटना पे, सच्ची कहानी पर आधारित है, तो आजकल वैसे भी ऑडियंस जो है वो सच्ची कहानियों पे ज़्यादा बिलीव करती है उनको देखने में, तो फीडबैक अच्छा मिल रहा है मेरा। आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर किसी ने मैसेज किया? सब कुछ उन्होंने बोल दिया। अरे हाँ, सब कुछ सारांश उन्होंने बोल दिया कि वही सब है कि भाई एक रियल स्टोरी पे है और साइंस और नॉन साइंस के बीच की जो लड़ाई है उसके ऊपर ये सीरीज बात करती है, कि एक ट्रेंड MBBS और जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो कैसे लोगों को ठगता है, एक्चुअली लोगों के जान के साथ रोज़ वो खेलता है। तो वो दो तरह की जो बिलीफ है, दो तरह की जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, उसके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर झोला छाप है। लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि इंटरेस्टिंगली जिस तरह की स्क्रिप्टिंग हुई है इसमें ड्रामा भी है, मैसेज भी है। ऐसा नहीं कि कई बार हम मैसेज के चक्कर में इतना उसको ब्लाइंड कर देते हैं, एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ है। सो बड़ा एक बैलेंस्ड तरीके से स्क्रिप्टिंग हुई है तो लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे ना पूरा वक्त देखते हुए थोड़ी सी ऐसी एंग्जाइटी हो रही थी कि मुझे लग रहा था डॉक्टर नेहा के साथ कुछ हो ना जाए, तो जब भी कहीं निकलती ना तो मुझे डर लगा रहता कि जब पावर ऑफ हो जाता, करंट चला जाता, मुझे लगता अब इसके साथ कुछ होगा, अब इसके साथ कुछ गलत होगा, तो वही एक सस्पेंस बना रहा। बट आपने इतना सारा काम किया है, अब इस जंक्चर पर अपने करियर में आपने ऐसी स्क्रिप्ट क्यों चूज की? आप क्या देखते हो स्क्रिप्ट में चूज करने से पहले? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें कि रियलिटी हो, तो उस रियलिटी में ऐसी कहानियों में काम करने का एक अलग मज़ा आता है अपना। अदरवाइज़ जो कहानियाँ बनाई जाती हैं कमर्शियल होती हैं वो तो रूटीन होती हैं, वो तो हमने बहुत किया है। बट इस तरह की कहानी अगर मिले और ऐसे करेक्टर मिले खास करके, और जिन करेक्टर के बारे में आपने सुना हुआ है और आपके लिए लगता है यार ऐसे भी करेक्टर होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ऐसा ट्रीटमेंट करते, हाउ कैन यू नो दैट। सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि मैं जिस चीज़ को जानता ही नहीं, मुझे किसी दवाई के बारे में मालूम नहीं है, मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, तो मैं हाउ कैन बी ए डॉक्टर, और मैं किसी तरह का मैं कैसे इलाज कर दूँ? वो तो अलग बात है कि ठीक है बुखार आया तुम ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, तो ना उसकी बात सब करते हैं। बट एक पर्टिकुलर एक नहीं कि मैं अपने हाथ में लेता हूँ, ये करो। जैसा कि आपने देखा होगा जिस तरह से वो मेरा करेक्टर करता है, वो तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अच्छा लगा करेक्टर, तो ऐसे करेक्टर तो मैं सर्च करता हूँ कैसे मिले, तो चैलेंजिंग भी होते हैं और रियलिटी होती है उनमें, तो मज़ा आता है उसको करने में। तो आप कह रहे हो कि स्क्रिप्ट अगर आपके पास आती है और उसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होता है तो आप वो फिर साइन कर लेते? जी जी बिल्कुल, वो आपका स्क्रिप्ट चूजिंग प्रोसेस। जी, अच्छा जी। आप? बस वही है जो इन्होंने कहा कि कुछ रियलिटी की और
खींचती हुई कोई बात हो रही हो तो उस तरह का किरदार मिलता है तो मज़ा आता है। लेकिन मेरे साथ तो मुश्ताक जी ने तो बहुत काम किया है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने अभी तक जितना काम किया लगभग रियलिटी के आसपास वाली काम सब मैंने किया है। मुझे ताबड़तोड़ कमर्शियल फिल्म का जो वो है उस तरह का मैंने अभी तक उस तरह का काम नहीं किया है। मेरा यही रहता है कि भाई जो और इसमें झोला छाप, क्योंकि हम ही दोनों झोला छाप हैं उसमें, तो एक तरह से कहा जाए तो जय और वीरू हम ही हैं। हाँ, टाइटल रोल हम ही लोग कर रहे हैं। और साथ में ये भी एक बात बता दूं कि लोगों के लिए बता रहा हूँ आपके माध्यम से, कि एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है उस तरह की प्रैक्टिस की गांव में या गांव क्या दिल्ली जैसे शहर में भी, मुंबई जैसे शहर में भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। बहुत सारे लोग उस सिस्टम को विश्वास करते हैं, उनके पास जाते हैं, वो अपने आप को खुद को ठगने के लिए वो चार कदम आगे चले जाते हैं। वो बंद होना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि ये साइंटिफिक नहीं है। आप अपने अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए किसी को आप मौका दे रहे हो, उसकी जितनी बड़ी गलती है उससे ज़्यादा गलती मेरी, अगर मैं जा रहा हूँ कोई अनट्रेंड आदमी के पास तो वो ना करें लोग, ये है। तो इस तरह के मैसेज है तो अच्छा लगा, तो इसलिए कर डाले। इस शो के लिए कास्टिंग कैसे हुई? जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना हो गया था, कि जैसे कोई ऑडिशन प्रोसेस होता है, कास्टिंग कैसे हुई थी? कास्टिंग बहुत अच्छी हुई, जैसे होनी चाहिए वैसी हुई, क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो अनुभव हैं, अनुभव उनमें और उन्होंने देखा पर का। एक्चुअली जय जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में एक शूटिंग में हुई थी और ये मुझे कास्ट करने के पहले, शूट करने के पहले ही उन्होंने मुझे हिंट दे दिया था कि मेरे पास एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, मैं चाहूँगा कि आप वो रोल करें, बड़ा अच्छा करेक्टर मैंने आपके लिए सोचा हुआ है। तो एक थोड़ा सा हिंट उन्होंने दे दिया था। हाँ, बेसिकली मैं आपको बता दूँ दिशा जी कि एक तो हम हैं आर्टिस्ट, ये तो खैर ये हो गई कि रियलिटी और ये सारी चीज़ें, हमको बहुत सारी फिल्में ऐसी भी करनी पड़ती हैं जो हमें लगता है नहीं उतना मज़ा नहीं आ रहा, बट यू नो यू हैव टू, यू नो, क्योंकि प्रोफेशन है तो काम तो करना पड़ेगा। तो भाई ये काम पसंद नहीं आया, ये रोल पसंद नहीं, ऐसा करेंगे चूज करेंगे तो घर में बैठना पड़ेगा। एनीवे, बट जिस तरह से जेपी साहब ने मुझे ये कहानी बताई और मेरा रोल बताया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंकली जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं ऐसा सुनता आया था कि इस तरह के भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं, झोलर, तो वो तुम्हें खुद करेंगे तो कुछ मज़ा आएगा काफ़ी। तो आप जहाँ तक आप देखेंगे कि मेरे जितने भी सीन्स हैं वो इसी तरह के सीन्स हैं, जैसे कि वो एक इंजेक्शन लगा देना है ना, एक अकोना एक पौधा होता है जिसका दूध निकलता है, वो पहले उसको लेकर के उसके माथे पे लगाता है और कहता है कि भाई दूसरे दिन वो आता है तो कैसा दर्द, तो बोलता है आधा दर्द ठीक हुआ। हाँ। इसका मतलब जड़ से नहीं गया, तो बाहर से लगाने पर जब इतना आराम तुझे मिला है तो यह जब अंदर जाएगा तो भैया जड़ से निकल जाएगा, खानदान से निकल जाएगा। तो वही माथे पे उसको वो इंजेक्शन लगा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? इनका कैरेक्टर भी कभी पीठ में कहीं और लगा रहा है। हाँ, वो सब है, गड़बड़ है। अब देखो ना, अगर ये जो चीजें हैं वो शायद थोड़ा सा ड्रामेटाइज करते हुए कि थोड़ा सा शायद एग्जैजरेशन हुआ होगा, बट उसी की आसपास की प्रैक्टिस होती है और ये बहुत डेंजरस है और ये होना नहीं चाहिए। और सोसाइटी में क्योंकि हम सब जीते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट भी बनता है कि इस तरह का काम अगर होता है तो उसके साथ लग जाना चाहिए। और कास्टिंग का जहाँ तक सवाल है, जैसे मुश्ताक जी ने बोला, मुझे भी जेपी साहब का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं तो उसमें कैसा किरदार है, तो मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई थी, फिर पढ़ा तो मुझे लगा अच्छा है तो करते हैं, तो फिर करने लगे। और एक कनेक्शन ये भी है, हालांकि वो बात का कनेक्शन है, कि हम दोनों एक ही स्टेट से आते हैं। सो उन्होंने फिर बाद में मुझे बताया कि हमारे स्टेट में ऐसी एक कहानी, मतलब उनके एक फ्रेंड है जो MBBS है, डॉक्टर है, उसके साथ इसी तरह की चीज़ें वहाँ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उससे मैं इंस्पायर्ड होकर इसको मैंने लिखा और वो करा। तो ये आपने मुझे बताया इस सीरीज की कास्टिंग की कहानी, बट आप मुझे बताइए कास्टिंग में फर्क पड़ा है इतने सालों में, पहले जब होता था और अब जैसे होता है, कि मोर ऑर लेस वैसे ही है कुछ? पता नहीं, नहीं नहीं नहीं, काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है दिशा जी। कास्टिंग मेरे हिसाब से डायरेक्टर को करनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टर को पता है कि कहानी क्या है और उसे कौन सा करेक्टर चाहिए, कैसे चाहिए, और उसने देखा हुआ है कि आर्टिस्ट कौन है और क्या कर सकता है वो। बट आजकल जो हो रहा है वो जिस तरह से कास्टिंग हो रही है,
आई डोंट नो व्हाई मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, यू नो दैट, बिकॉज आप ही बताइए ना, आई एम द डायरेक्टर, आई नो द स्टोरी, आई नो माय किरदार, जितने भी किरदार हैं, जो भी हैं, जो भी छोटे छोटे करेक्टर हैं, मुझे मालूम है कि कौन सा करेक्टर मुझे चाहिए, और उसको एक डायरेक्टर को उतनी पहचान तो होती है कि किस आर्टिस्ट में कितना कैलिबर है। नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नए लोगों का वो ऑडिशन ले सकते हैं, कुछ सकते हैं, बट आजकल जो ट्रेंड चल चुका है कि भाई वो हर एक से मतलब ऑडिशन लेना, और पुराने पुराने आर्टिस्टों को भी बोलना कि सर ये वो, मेरी सब बात समझ में नहीं आती है जो कास्टिंग चल रही है आजकल। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। और आप दोनों ने जैसे माइलस्टोन एक रोल किया है अपने अपने करियर में, मुझे उसकी कास्टिंग के बारे में बताइए। वेलकम की कास्टिंग आपके लिए कैसे हुई और सीक्रेट गेम्स की आपके लिए कैसे हुई? वेलकम की कास्टिंग तो मेरे लिए, जैसे कि आप जानते हैं, अनीस बज्मी, जो मेरे आपने देखा अनीस बज्मी की मेरी वेलकम पहली फिल्म नहीं है, इनके साथ मैंने वो किए थे प्यार तो होना ही था, इनकी एक और मैंने फिल्म की थी जो सुनील शेट्टी डबल रोल में थे, गोपी किशन, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया था जो फिल्म एक्चुअली बनी नहीं, राधे श्याम सीताराम, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कास्ट किया था गोविंदा डबल रोल में थे उसमें सैंडविच, उसमें मुझे कास्ट किया था, तो उनके साथ मैं काफ़ी फिल्मों उन्होंने मुझे किया, फिर वेलकम दिया उन्होंने, फिर वेलकम बैक दिया, तो एक था टीमिंग थी। और ये जब रोल उन्होंने दिया था तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था कि ये रोल क्या होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि जब हम दुबई गए शूटिंग करने के लिए तो 4-5 दिन तो ऐसे ही बस जाते थे और बस आ जाते थे, तो उनको मैंने बोला भी, अनीस भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा रोल, बोले मियाँ आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हमने सोचा हुआ है, हम भी डायरेक्टर हैं, हमें पता है कि यार ये आपका रोल कैसा होगा, तो आप टेंशन ना लें, आप आराम से दुबई में आइए, जब हम बुलाएं आ जाइए और दुबई घूमिए तो आपको भी पता चल जाएगा। तो रियली देखिए, एक एक डायरेक्टर को मालूम होता है कि उसने क्या कंसीव किया हुआ है, कैसा स्केच किया हुआ है करेक्टर को, अब वो बाद में मुझे पता चला, अरे यार ये करेक्टर तो ये है, अब बिलीव नहीं करेंगे। 7-8 दिन तो मतलब मैं सिर्फ जाता था, खड़ा हूँ बस स्टिक लेकर के एंड पैकअप, यार लाइन कुछ बोला नहीं, कुछ किया क्या होगा क्या, बट एनी वेट वो सीन कैसे हुआ हमें पूरी डिटेल में बताइए। ऐसे कल्ट हो चुका है वो, इतने मीम्स बन चुके हैं उस पर सोशल मीडिया पर, आपको कोई अंदाजा था कि ये इतना कल्ट बन? उन्होंने कहा, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, यू नो ये फेक गैंगस्टर है फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना, सब जबरदस्ती का एक रुक करके, अब वो उन्होंने मुझे यूज किया एज ए विजिटिंग कार्ड, तो मुझे डायरेक्टर ने समझाया, देखो भैया ये लोग जो है ना डराने के लिए तुमको रखे हुए हैं, कि लोगों को कैसे डराना है, कैसे धमकाना है, नाना पाटेकर को अपनी सिस्टर कैटरीना कैफ की शादी अक्षय कुमार से करनी है, और अक्षय को मालूम सारे ये लोग जो है बदमाश लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, तो इनके यहाँ रिश्ता नहीं करेगा वो, आप उसको डराओ तुम, वो सब कुछ है लेकिन वो थोड़ा फट्टू भी है, मतलब डरता भी है वो, तो अब वो जैसा आपने सीन देखा ही है, जैसा सीन होता है, तो यू आर जस्ट ए विजिटिंग कार्ड फॉर देम, कि भैया ये है करेक्टर इन लोगों का, दोनों का देख लो आप, इनसे अगर बचना है तो अब वो करके, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार इसको कैसे करेंगे, तो अनीस भाई के साथ फिर हमने बात की कि इसका क्या, इसका स्टाइल क्या होगा करेक्टर का, कैसे क्या होगा, बट ओई की लाइन बोलता है, बोले और ये फिल्मों में कई जगह आएगा, अगर वो कुछ और भी पूछेगा नाना पाटेकर कि कुछ और भी पूछेगा, बता बल्लू, तो वो शुरू हो जाएगा, मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन, ऐसा शुरू हो जाएगा वो, तो वो कहते नहीं 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 यार वो कहाँ शुरू हो गया, वो नहीं ये बता वो बता, यानी दैट, तो ये बोले कई जगह आएगा, तो उनको उनके साथ मेरी और उनकी जो बात हुई तो उन्होंने मुझसे यही कहा यार कैसा करें क्या करें, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा सर ये एक तोते की तरह होना चाहिए फ्लैट, मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था लेकिन एक दिन मेरे मुँह से बोले भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से टांग के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाए, घर तक छोड़ने आए, रात को कोई 3 बजे भी आपको आके जगा देना, डायलॉग बोल पाओगे। और फिर सबसे मस्त बात ये थी दिशा जी कि वही करेक्टर जब उसके पीछे भागता है, विलन के पीछे भागता है, तो फेंक देता है स्टिक अपनी, तो देन ही आस्क अक्षय, अरे तुम तो लंगड़ा, अरे लंगड़ा कहाँ था यार, ये तो मुझे तो विजिटिंग कार्ड बनाया डराने के लिए लोगों के लिए,
तो इस तरह का करेक्टर वो बन गया, लोगों को बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होता ये सब करेक्टर, आपने कुछ भी कितना भी अच्छा किया हो, फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है। फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है। फिल्म अगर हिट नहीं होती है तो आप कितना भी अच्छा करेक्टर करें, किसने जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वैसी बात हो जाती है। मैंने एक फिल्म की थी 1984 में, उसका नाम था अंजुमन, मुजफ्फर अली ने बनाई थी, जिन्होंने उमराव जान अदा बनाई थी। मेरा कमाल का रोल था, बहुत अच्छा, और मैं आई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था मेरे को उस फिल्म से, बट वो फिल्म ही रिलीज नहीं हुई। क्या करूँ बताओ। एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता ना इन चीजों पर। नहीं नहीं नहीं, बट इसमें जैसे आपने कहा इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कोप होता है डायरेक्टर के साथ, आप अपना इनपुट डाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं होगा तो मजा नहीं होगा। अब इसमें झोला छाप में भी हमारे साथ जेपी साहब के साथ, जो एक तो मेरी जिंदगी में, आपको छोटी सी बात बता दूं, दो जेपी आए मेरी जिंदगी में, एक जेपी दत्ता, आप तो जानती हैं उनको ग्रेट, और मैंने कहा यार ये जेपी के साथ दो तीन बार मेरे ऐसा इंसिडेंट हुआ लेकिन काम नहीं कर पाया, मैंने कहा चलो ठीक है यार देखते। फिर दूसरा जेपी आया, फिर इस जेपी ने जो काम दिया मुझे और इनके साथ बड़ा मज़ा आया झोला छाप काम करने में, और जिस तरह से हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, और मेरा मैंने हमेशा मेरा एक एम होता है कि मैं जो भी इम्प्रोवाइज करूँ हैं तो विद द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, कि भैया ये है ऐसा कैसे लग रहा है आपको, ये कहानी के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये ओवर नहीं होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा कैन आई हाँ कर सकते हैं। अब ज़्यादा लगेगा तो डायरेक्टर मना कर देता कि नहीं सर उसको तो नहीं रहने दो, या ये मत करो, या मेरी कहानी पे ये नहीं जाता है, तो हम वहाँ रुक जाते हैं, हमारे हाथ में वो नहीं है कि। बट एज एन एक्टर जब आप कैमरे के सामने होते हैं, जब कोई सीन कर रहे होते हैं, तो बहुत बहुत कुछ करने को मन करता है, यू नो दैट, कि अब ये हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी कर लें सर। कभी कभी थोड़ा ओवर हो जाता है तो फिर वो डायरेक्टर रोक देता है, ए भाई बस दिस इज द लिमिट, यू नो दैट। बट जेपी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया और इन्जॉय करते थे, हंसते थे। तो जब पूरे माह जब हम आप सेटअप सेट पे रहते हैं और कोई सीन करते हैं और वो अच्छा लगता है तो पता चलता है हाँ भाई ठीक है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, तो एक बूस्ट अप मिलता है और थोड़ा इंकरेज होता है आदमी और अच्छा करने की कोशिश करता है। और एक ऐसा डायरेक्टर मिल जाए जो कि आपके साथ चले, फिल्म के साथ चले, और जो आपकी बात को सुने भी कम से कम। बहुत सारे ऐसे रिजिड डायरेक्टर मैंने देखा, अरे भाई सुनो, नहीं नहीं वो नहीं करना, चुप। तो वो ऐसे भी डायरेक्टर हमने देखे हुए, बट जो सही होते हैं, जो उनको मान को नहीं नहीं यार सही जा रहा है, करेक्टर में जा रहा है ये, तो उसको अलाउ करते हैं। त्रिपाठी जी से त्रिवेदी जी कैसे बने? हाँ मतलब वो मेरे लिए एक जनरल प्रोसेस था, ऑडिशन चल रहा था उसका सीक्रेट गेम्स के लिए, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं गया था कास्टिंग में ऑडिशन देने के लिए। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो एज मेंशन हुआ था, मैंने कहा ये तो भाई अनुराग कश्यप मेरे को क्यों लेंगे, मैं तो उस एज में हूँ नहीं, तो और उस एज में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो जो उनकी टीम जो थी मुकेश की, तो मैंने कहा भाई ये ऑडिशन मैं क्यों दूंगा, ये तो कुछ है नहीं। बोला दादा आप कुछ मत बोलो, आप ऑडिशन दो ना। तो मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि उसका एक जर्नी है, वो 40s से शुरू होता है, 60s में आता है, फिर 70s में जाता है। वो 70s वाली जो एक सीन उन्होंने मुझे दी थी, तो मुझे इसलिए लगा कि ये पता नहीं क्या है, बट आई वॉज वेरी लकी कि वो ऑडिशन वर्क कर गया और फिर वो काम मुझे मिल गया। फिर उसके बाद उसको हाइप किया गया, सब मर जाएगा, त्रिवेदी बच जाएगा, ये होगा वो होगा, मीम्स छपे, सब कुछ हुआ। ऐसे नहीं है, मैं आपको थोड़ा वक्त में पीछे लेकर जाना चाहती हूँ। जब त्रिवेदी का कैरेक्टर हुआ जो इतना बड़ा हिट था, वो तब आपको कैसे फील हो रहा था कि सबसे बड़ा हिट वो मेरे पे बेस्ड है, मैं हूँ वो? हाँ मैं एक्चुअली देखा नहीं था पहले, तो जब रिलीज हो गई 10-15 दिन के बाद, जब सब ऐसे बात होने लगी, तो कुछ फ्रेंड्स मुझे फोन करने लगे, अबे ऐसा ऐसा, मैंने कहा मैंने देखी नहीं, तो रिलीज के बाद आपने नहीं, मैंने देखा नहीं था। हम हाँ ऐसे थे, रात के 12 बजे रिलीज हुए तब बैठ के देखा सारी रात, हाँ, सुबह 7 बजे। मैंने सोचा मैं पूरी एक बार में देखूंगा, क्योंकि वो 8 एपिसोड 40 मिनट्स 45 मिनट्स, मैं कहा पूरी रात लगानी पड़ेगी, तो मैं फिर ऐसा एक दिन चूज करूँ नेक्स्ट डे सो, तो मैं देखा नहीं था। फिर मैंने उसको देखा, तो वो मतलब हर तरह से वो बहुत ही तहलका मचाने वाला शो था, हर तरह से
राइटिंग डायरेक्शन एवरीथिंग म्यूजिक 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 ऑफ कोर्स म्यूजिक द टाइटल म्यूजिक मतलब ऐसा मतलब एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टेक सो वो था एक्टिंग सो बहुत ही अच्छा एक बहुत ही सरियलिस्टिक एक्सपीरियंस था फिर जब मीम बनने लगे तो फिर जब लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किया एडीज फॉरवर्ड करने लगे सर आपको पता है मैं क्योंकि सोशल मीडिया में हूँ नहीं तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता तो भेजने लगे तो मैंने देखा तो नॉर्मली लगा कि भाई ठीक है बाद में फिर जैसे जैसे लोगों ने बोलना शुरू किया जैसे बाहर कोई कि सब मर जाएगा त्रिवेदी बच जाएगा तो ऐसा सुन के लगा कि चलो अच्छा है कि थोड़ा सा आपको पॉपुलैरिटी हल्का फुल्का मिला है विच इज गुड फॉर एन एक्टर फॉर एन आर्टिस्ट हल्का फुल्का नहीं काफी रेज था हर जगह और मीम्स के थ्रू ही जैसे वो स्प्रेड हुआ है ना ओह गॉड तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपने अनीस वासनी जी के बारे में बात की बट ऑल्सो अक्षय कुमार के साथ आपने बहुत काम किया वेलकम तो है ही बट मेरे पास पूरी लिस्ट है हेरा फेरी राउडी राठौर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका उसका साथ तो मस्ती है बहुत मस्ती है अक्षय कुमार के साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है मतलब खूब मस्ती करते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव आल्सो उन्होंने एक दो तीन फिल्मों में मुझे रिकमेंड भी किया जैसे एक फिल्म थी बॉस तो हालांकि उसमें रोल कुछ भी नहीं था बोले यार है नहीं लेकिन उनको लेके आओ तुम लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लेके आओ तो गए हम लोग शूटिंग वगैरह किए बट उसके साथ सबसे बड़ा मज़ा क्या आता है कि जैसे कि आपको वो बोर नहीं होने देंगे अक्षय कुमार कभी भी बोले लेट्स प्ले क्रिकेट लेट्स ईट समथिंग यू नो उस तरह का है उस आदमी का तो और होटल में साथ में रहना कहीं बाहर अगर आउटडोर में गए हैं तो वो पूरा ख्याल रखेगा भाई क्या है क्या कौन कहाँ जा रहा है कौन क्या खा रहा है क्या हो रहा है रात में क्या कर रहा है चलो प्रोग्राम करते हैं कुछ लेट्स प्ले फुटबॉल या ये उस तरह का है तो मस्ती काफ़ी रहती है काम में अच्छा लगता है अच्छा और मैं थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ आप मुझे अपनी जर्नी इसके बारे में बताइए क्या आपको हमेशा पहले से पता था कि मुझे फिल्म लाइन में घुसना है बहुत लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे एक्सीडेंटल हो गया था हादसा हो गया और फिर हम इस लाइन में आ गए थे तो आप मुझे डिटेल में अपनी जर्नी बताइए कि जहाँ से आप शुरुआत करते हो और आज जिस आप मुकाम पर हो अपने करियर में मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए पूरा डिटेल मतलब बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा जैसे एग्जाम पेपर में बोलते हैं ना लॉन्ग आंसर टाइप 25 मार्क्स के लिए वैसे देखिए मैं ना हिंदुस्तान के बहुत ही एक छोटे से मध्य प्रदेश के छोटे से गांव का रहने वाला हूं जहां मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आऊंगा और एक्टर बन जाऊंगा लेकिन अंदर एक्टर भरा हुआ था शुरू से भरा हुआ था एंड क्लास 6 स्टैंडर्ड से मैंने एक्टिंग शुरू कर दी और मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता था नाटक लिखता था और हम उस वक्त तो लड़कियां अलाउड नहीं थी हमारे यहाँ हमारे तो को एजुकेशन था भी नहीं बल्कि तो हम लड़कों को ही मतलब चुनते थे कुछ ऐसे लड़के देखते थे जो लड़की जैसे देखे उनको हम लेडीज रोल फीमेल रोल दिया करते मैं खास करके उसमें पूरा सब इंतज़ाम मैं करता था तो इतनी लगन थी कि इतना शौक हुआ करता था कि भाई स्टेज में जाना है कुछ ना कुछ करना है तो दैट टाइम जब मनोज कुमार साहब की फिल्म थी उपकार वगैरह ये वो सब उसके वो कुछ स्क्रिप्ट बनाना खुद स्क्रिप्ट बनाना खुद हीरो बनना खुद डायरेक्ट करना ये वो सारी चीज़ें थी तो ये वहाँ से शुरू हुआ स्कूल से और स्कूल में सभी लोग मुझसे यही बोला करते थे कि भैया तू यहाँ क्या कर रहा है वैन आई वेंट टू कॉलेज कॉलेज में भी यही रहा मुझे सोशल गैदरिंग का वो बना दिया सेक्रेटरी बना दिया वहाँ पर भी मैं नाटक 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 बड़े हर नाटक में मेरे को छोटे मोटे इनाम मिलते थे ये वो सब तो मेरा पुस्तक हो गया फिर उन्होंने कहा मेरे प्रोफेसर कहा करते थे कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर सीरियसली मैंने कहा क्या करूँ मिडिल क्लास फैमिली का था मेरे फादर जो थे वो मर्चेंट कपड़े का काम करते थे तो बड़ा मुश्किल था यहाँ वहाँ तक पहुँचना एनीवे किसी तरह मैं मुंबई पहुँचे जिसमें मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जो मेरे गाइड करते थे कि भाई एक्टिंग में ऐसा वैसा वैसा ऐसे वैसा यहाँ अगर मैंने 6 महीने का कोर्स किया नेशनल फिल्म एक्टिंग में नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न जिसके प्रिंसिपल थे मिस्टर गोपाल दत्त जो पूना इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने यहाँ बॉम्बे में एक एकेडमी खोली हुई थी बट उस एकेडमी में ठीक है 6 महीने मैंने काम किया लेकिन ओके थोड़ा बहुत जो झिझक थी जो हेजिटेशन था वो खत्म हुआ लेकिन फिर मुझे वही हमारे जो दोस्त थे सुरेश दरगाह साहब उन्होंने मुझे बोला कि यू ज्वाइन इप्टा एंड आई ज्वाइन इप्टा
मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि बहुत लंबा नहीं, आप बताइए एक दो सवाल ही बाकी है फिर तो हो ही चुका। या नहीं, इसलिए कि बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए क्योंकि स्ट्रगल बहुत लंबा था। अच्छी बात है लंबा होना, लोग देखते हैं और सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। स्ट्रगल मेरा लंबा था, बहुत लंबा था, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सर्वाइव कर पाता था, मतलब। बट ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया कि मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, तो यहाँ हैंड टू माउथ के लिए भी और एकोमोडेशन भी दिया, बहुत सारी चीज़ें किया। फिर मैंने, मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया कि नहीं आप जो है इप्टा ज्वाइन कर लो, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, जो मेरे ख्याल यहाँ पर भी है दिल्ली। तो मैंने बहुत सारे शोज किए हैं यहाँ पर आकर के, नाटक मैंने नाटक बहुत किए कंटिन्यू, मैंने कम से 12-15 साल मैंने नाटक किए बॉम्बे में, और बड़े अच्छे अच्छे रोल्स मुझे मिले नाटकों में। तो नाटक में सबसे पहले मुझे एक डायरेक्टर थे इस्माइल श्रॉफ, जिन्होंने फिल्म बनाई थी थोड़ी सी बेवफाई, उसमें उन्होंने दो सीन के लिए मुझे रोल दिया था, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मेरे सीन थे, दो सीन, तो सिर्फ दो सीन थे, डायमंड कटर होता है वो। फिर मुझे सबसे बड़ा ब्रेक जो मुझे मिला, जिससे मैं महेश भट्ट साहब के कॉन्टेक्ट में आया, एंड दैट टाइम महेश भट्ट वॉज ओ मतलब यू नो दैट नाम, फिल्म जबरदस्त हिट हो गई थी, अर्थ, सारांश, ये सारी फिल्में उनकी हिट हो चुकी थी और बहुत नाम था, और हर कलाकार चाहता था कि महेश भट्ट के साथ काम करें। एक प्ले मैंने किया था, उसका नाम था लोक कथा, लोक कथा 78। उस प्ले में मेरा एक गांव के दारोगा का रोल था, जो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया था। मुझे पता नहीं कौन आता था जाता था, आई डोंट नो किस कौन आया गया, लेकिन हम लोग चाहते थे कि कोई डायरेक्टर साहब, पहले एक्चुअली यही होता था, अब शायद पता नहीं या नहीं, अभी तो टेलीविजन आ गया है। दैट टाइम टेलीविजन, मेरे टाइम पे टेलीविजन, मैं दिस इज आई एम टॉकिंग 80s लेट 80s की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 76-77 में मैंने इप्टा ज्वाइन किया था, उसके बाद से 5-7 साल हो गए थे तब ये घटना घटी लोक कथा की। तो दूसरे दिन मेरे डायरेक्टर जो है रमेश तलवार जी, उन्होंने मुझे बोला, भाई आपको सलीम साहब ने याद किया है, जिन्होंने सलीम साहब सलमान साहब के फादर जो राइटर थे, जिन्होंने फिल्म ये सेपरेट हो चुके थे जब तक, सलीम जावेद जो है, और सलीम साहब ने अकेले वो फिल्म लिखी थी नाम, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, जो भट्ट साहब के साथ लिखी थी। तो मेरे डायरेक्टर, नाटक के डायरेक्टर रमेश तलवार जी ने मुझे कहा, यार वो सलीम साहब ने, मैंने कहा सर मैं जानता भी नहीं था सलीम साहब, मैंने कहा सलीम साहब पता नहीं, अच्छा अच्छा, मैंने कहा अरे अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो, मालूम भी है सलीम साहब कौन? मैंने कहा अरे भाई सलमान के फादर राइटर, सलीम जावेद वाले सलीम। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे सर, वो आए थे क्या? हाँ वो कल आए थे, आपका नाटक देखा अपना और बहुत पसंद किया उन्होंने, बोला यार उसको कभी बोलना उसको मुझे मिले, बस फिर बात बनी, लॉटरी खुल गई। उनके घर गया, उन्होंने वेलकम किया, चाय वाय पिलाई, और मियाँ बोले आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बस बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बुला लिया। मैंने कहा सर अब बुला ही लिया है तो फिर काम भी दे दीजिए। तो मैं बोले ठीक है तुम मेरे पास आते रहो। तो दैट टाइम ही वॉज राइटिंग कब्जा फिल्म, संजय दत्त, अमृता सिंह, राज बब्बर वाली फिल्म। तो मैं मिलता रहा। एक दिन जब मिलने गया तो अच्छा हुआ तुम आ गए, आ जाओ। वो नीचे उतर रहे थे, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी में बैठे बैठे मुझे बुलाया, बिठाया और कहने लगे कि मैंने महेश भट्ट से तुम्हारे यहाँ जिक्र किया है। मैं ऐसे देखता रहा उनको, एंड दैट टाइम मैंने आपको बना जो मतलब भट्ट साहब का जो जलवा था वो टाइम पे, अरे यार मैंने कहा, और बोले बात कर लिया मैंने, आप जाओ यारी रोड में वो शूटिंग कर रहे हैं, उनसे जाके मिलो, मेरा नाम बताना। उसके बाद एक जगह पे उन्होंने मुझे सिग्नल पे छोड़ा, मैं उधर चला गया। फिर मैं भट्ट साहब के पास गया, और भट्ट साहब का तो आपको मालूम है, वो डायरेक्शन कर, हाँ भाई हाँ जी। मैं आगे खड़ा हो गया बीच में, मैंने कहा सर मैं, हाँ बोलो। मैंने कहा सर सलीम साहब ने, सलीम साहब, यस यस सलीम साहब, यू आर मुश्ताक खान, यस। हाँ भैया थिएटर वेटर करते हो आप, मतलब अच्छी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं मतलब, अच्छा चलो ठीक है। वो मेरा भाई खड़ा है एक, मुकेश भट्ट, और उसके बाद में वो मोटा जो है ना वो प्रवीण भट्ट है, वो भी मेरा भाई है, ये दोनों ही उनसे मिल लो और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है सर, उन दोनों से मिला, उन्होंने नंबर मेरा लिया,
वो टाइम पे तो मेरे घर में फोन भी नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं था। तो आपने कौन सा नंबर दिया? मेरी एक किराना की दुकान जहाँ हम लोग किराना लिया करते थे, तो हम उनको अपना वो दिया हुआ था कि यार ये नंबर, उनका नंबर हमने उनको दिया, और उनका ये था कि एक मैसेज का 1 रुपया हमको भी। तो हम सुबह निकल जाते थे स्ट्रगल के लिए, और शाम को जब आते थे तो दुकान से होते हुए आते थे कि भैया कोई फ़ोन आया था? नहीं आज तो कोई नहीं आया, आज तो कोई नहीं आया। कभी कभी 2 आ गए, कभी 1 आ गया, ऐसा कुछ था। तो वो नंबर दिया हुआ था, तो हम जहाँ रहते थे उसके पास में वो किराने की दुकान थी, तो बस वो उससे वो मैसेज लेते थे और 2 या 3 जो भी आता उनको उसके हिसाब से 2 रुपये 3 रुपये देते थे। तो वो नंबर मैंने दिया हुआ था। फिर 15 दिन के बाद आई गॉट कॉल बैक। तो एक दिन फिर गए कुछ सामान वाले, तो बोले सर आपका एक फ़ोन आया है, कोई भट भट है करके। अरे मैं खुश हो गया। अब वो दैट डे जो मैं खुश था मैं आपको बता नहीं सकता, यू नो दैट यू कांट इमेजिन। और वो दिन आप कभी नहीं भूलो। जी जी जी, मतलब सोच ही सकता था कि जिस आदमी के लिए मैं, क्योंकि लोगों ने क्या डरा दिया था, महेश भट्ट तो क्या महेश भट्ट से मिल ही नहीं सकते तुम, ही स्पीक इंग्लिश नथिंग, और ऐसा डरा दिया था कि ऐसा है वैसा है वो। अरे मैंने कहा यार ये तो इतना पागल बनती, लोग मरते थे मतलब काम करने के लिए महेश भट्ट मिल जाए किसी तरह, और आपको फ्री में महेश भट्ट मिल रहा है। आई वेंट टू नीड देन, ये हुआ। और फिर उन्होंने कब्जा में एक रोल दिया छोटा सा। उस फिल्म में कोई एक सीन, एक चीज मैंने देखा महेश भट्ट साहब में, जस्ट अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो सबसे खास बात क्या होती है दिशा जी, कि आप में वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप समझ जाते हैं वो आदमी, अगर आप आ रहे हैं तो समझ जाते हैं कि वो आदमी में क्या है, उसका करेक्टर क्या है, बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है साथ। तो उन्होंने मुझे रोल, एक वो सीन उनको समझ में आ गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। 15 फिल्में मैंने उनके साथ की, जुनून, सड़क, साथी, हमें राई, प्यार के, दिल है के मानता नहीं, सर, सातवा आसमान, मिलन, गुमराह, नाराज, मिलन, साथी, कुछ भूल गया हूँ शायद मैं, हम है राही प्यार के, जो जापान से आया हूँ। हाँ, वो पहली बार था वो, बीपी मिश्रा, जेआर, तो जेआर क्या है, जापान रिटर्न, 4 साल जापान, 4 साल वहाँ पर जापान में हम ट्रेनिंग लिया हूँ, 1 लाख कलर बना लिया हूँ। तो वो दैट टाइम मैंने वो बिहारी लैंग्वेज लिया था, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो हमें अभी तक तो मैं हमें राय प्यार को ही, और उसी सेम टाइम पे मेरी एक और फिल्म रिलीज हुई थी सर, उसमें मेरा डिफरेंट रोल था, उसमें मैं गैंगस्टर बना हुआ था। तो उसे तो आप देख लीजिए, उन्होंने जितने भी मुझे रोल्स दिए हुए हैं, आप जुनून में मैंने एक आदिवासी का रोल किया है, सड़क में मैं पिंप बना हुआ हूँ, हमें राय प्यार के मैं टेलर बना हुआ, दिल के मानता नहीं उसमें मैं कंडक्टर बना हुआ, इसी में इंस्पेक्टर बना हुआ हूँ, गुनाह एक और फिल्म थी उनकी, मैं अभी और ढूंढूंगा तो 4-5 फिल्में और आ जाएंगी। तो वहाँ से एक पहचान बनी, वहाँ से जब पहचान बनी तो फिर बाहर आए, बाहर के लोगों ने भी, फिर डेविड धवन की फिल्में, एक और 11 और ये और वो, और जोड़ी नंबर 1 एंड और भी सारी, बहुत सारी 2-3 फिल्में और की डेविड धवन के साथ, मेहुल कुमार की क्रांतिवीर, नाना पाटेकर, ये लोग सब थे जो पॉलिटिशियन का रोल था। हम कल वही डिस्कस कर रहे थे कि आपकी इतनी सारी फिल्म्स हैं फिर भी हम सबको वेलकम याद रह जाते हैं। बट जो हमारे सिनेमा टीम के संपादक है वो कह रहे थे तुम बच्चों, तुम सब बच्चे जो ना तुमको वेलकम याद है, बट हमें उनके जो बाकी जी, काम है वो जी, हमने जी, सारे बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना आपको वेलकम के पहले, मतलब मेरी सड़क जुनून थी, हमें राय की, हम राय प्यार की, वो मिश्रा जी के नाम से लोग जानते थे, जब वेलकम आई ना तो वो सब भूल गए वो लोग। फिर ये तो वही होता है जो आपको सबसे ज्यादा फिल्म, एक्चुअली क्या वेलकम के साथ क्या फायदा हो गया कि फिल्म बहुत अच्छी, वो नियम हो गया इतना आज तक। जी 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 जी, तो इसीलिए हम सबके दिमाग में फिर वही बैठ गया। जी जी जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वो वेलकम का वो डायलॉग मुझे हमेशा भाई वो डायलॉग सुनाई मीम बना के रख दिया। तो इस तरह की जर्नी रही और वो जर्नी यहाँ तक आपके सामने बैठे हुए हैं सर आपकी। हाँ मैं भी ऐसी एक चांदबाली करके जगह है जहाँ पे पला बड़ा था उड़ीसा में, तो उस टाइम लगता था कि भाई मेरे जो घर में जो है एक फोक फॉर्म है उड़ीसा में जिसको पाला कहते हैं,
सो पाला गायन की एक ट्रेडिशन चलाते थे घर वाले, दादा परदादा, फिर मेरे फादर भी गाते थे। तो मुझे बचपन से था कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं। फिर उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया बचपन में, बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाके क्लासिकल सीखो। तो मैंने, मेरे जो गुरु हैं अब तो हैं नहीं, तो भास्कर दास जी, उनके पास जाके मैंने सीखा। पर मेरे को मन था कि मैं अभिनय करूं और ये सब करूं, पर कहने का वो नहीं था, गट्स नहीं था, तो नहीं बोल पाते थे। और वहाँ पे कोई स्कोप भी नहीं था, छोटा सा कस्बा था एक टाइम पे, वो एक पोर्ट सिटी था उड़ीसा का, बट बाद में वो जो पोर्ट बंद हुआ, पारादीप डेवलप हो गया, जो भी। सो उसका रेलिवेंस ख़त्म हो रहा था। जब मैं बच्चा था मैं खाली सुनता था कि ऐसा था ऐसा था। सो उस टाइम तक वो एक डेड सिटी हो गया था लगभग, तो वहाँ पे रहते थे कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं रेवेंशा कॉलेज करके कॉलेज है कटक में, जो कि आज यूनिवर्सिटी है, 100 साल से ज़्यादा है पुराना, तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो वहाँ मैं गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद मुझे दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस था वहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे पर पढ़ाई में उतना ध्यान था नहीं, नेतागिरी करने लगे। फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन में जो होता है कल्चरल सेक्रेटरी, वहाँ ड्रामेटिक सेक्रेटरी बोलते हैं, वो बन गया मैं। फिर नाटक वाटक करने लगा लोगों के साथ, कटक के जो बच्चे थे उनके साथ करने लगा, तो वहाँ बेस्ट एक्टर वगैरह मिल गया, तो अंदर से लगा कि मैं शायद कर सकता हूँ। फिर बीए का एग्ज़ाम देने के बाद मैं जब वापस गया तो मुझसे पूछा गया कि हाँ भाई इसके बाद क्या करोगे, तो सबको था कि एमए करेगा, क्योंकि हम तो एक इंटेंशनल एजुकेशन होता है, एक अनइंटेंशनल अनइंटेंडेड एजुकेशन होता है, इंडिया में अनइंटेंडेड है, क्योंकि कोई एमए इसलिए नहीं करना चाहता है कि वो एकेडमिक्स को परसू करना चाहता है, करेगा क्या, तो बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, पीएचडी कर लेगा। कोई अगर डॉक्टर बनता है तो माँ बाप डंडा चलाते हैं इसलिए वो डॉक्टर बन जाता है। सो इंटेंशनली हम कुछ एजुकेशनली करना नहीं चाहते, कुछ नहीं तो यही कर लो। तो रीज़न ये है कि एजुकेशन का वैल्यू जो है वो बहुत अजीब सा है हमारे यहाँ। हायर एजुकेशन जो है वो इतना मुफ्त में आपको मिलता है कि बिना जाने लोग बीए एमए कर लेते हैं और कहते हैं मैं भी ग्रेजुएट हूँ मुझे भी जॉब दो, तो उसको बोलो 5 पेज अच्छे से लिख, 5 पेज भी नहीं लिख पाएगा इन जनरल, मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ और बात करने लगा। सो एनी वो सब करते करते मैंने कहा भाई मुझे फिल्म करना है, तो कहने लगे भाई तुम कैसे फिल्म कर लोगे, तुम्हारे घर की स्थिति देखो, तुम बेकार की बात कर रहे हो, फिल्म करोगे क्या करोगे फिल्म। तो उड़ीसा में एक एक्टर होते थे विजय मोहंती करके, जो 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, उनकी फिल्में हम लोग देखते थे। और टेलीविज़न नया नया गाँव में आने लगा था, तो कहीं कहीं जाके किसी के घर के पीछे घर में अगर लगाया तो वहाँ 100-150 लोग यूँ करके जो देखते थे, तो वो सब देखते देखते विजय मोहंती साहब से बहुत इंस्पायर्ड हुए, तो लगा कि ये कुछ अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाद में पता लगा कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी है। बाद में पता लगा कि कोई नसीरुद्दीन शाह हैं, उनके बैचमेट रहे हैं। फिर स्पर्श फिल्म मैंने देखी, वो शायद एक टर्निंग पॉइंट है। स्पर्श मैंने देखी उन दिनों संडे में, संडे को आती थी सब नेशनल अवार्ड फिल्म। तो स्पर्श में मेरे कॉलेज में जो ब्लाइंड्स थे उनको जब मैंने देखा था, और जब नसीर साहब को देखा, मुझे लगा कि ये पहली बार किसी एक्टर को देखा जो ब्लाइंड जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो ब्लाइंड ऐसे करते थे हिंदी फिल्मों में, कौन कहाँ से आया ऐसे ही करते थे। मैंने कहा ये तो पूरा ब्लाइंड जैसे, आँखों का जो सब होता है एक ब्लाइंड का, कैसे उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है कैसे, क्योंकि उसका कान तेज़ होता है क्योंकि आँख नहीं देख पा रहा है, तो वो कैसे यूं करके बात करता है ऐसे करता है, वो सब देख के मुझे लगा कि ये अच्छा, ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए हैं, अच्छा ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है कहाँ, वो दिल्ली में है, फिर कैसे जाएंगे भाई, वहाँ कैसे जाएंगे, किससे पूछेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं। उन दिनों तो ये इंटरनेट भी नहीं था, कुछ नहीं पता था। एनी एमए करने चला गया मैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद, वहाँ सोशियोलॉजी में एमए करने चला गया। पूछा गया भाई तुम सोशियोलॉजी में क्यों एमए करने जा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो मैंने कहा आईएएस बनेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन उन दिनों चल पड़ा था पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का, आईएएस बनने निकल जाए बनेंगे। वहाँ जाके पता लगा कि जो उड़ीसा से जो 30-35 उन दिनों स्टूडेंट्स होते थे उनको लेके मैं नाटक करने लगा, वो मेरे से छुपते थे कि यार ये नाटक करेगा, तो मेरे को कुछ करना नहीं था, मैं लिखना और नाटक करना। फिर वहाँ कल्चरल सेक्रेटरी बन गया, फिर वहाँ पे थिएटर डिपार्टमेंट है, तो मैं जाके जब मेरा एमए खत्म हो रहा था तो मैंने जाके थिएटर डिपार्टमेंट में भास्कर सिवालकर करके थे,
उनको प्रोफेसर थे, मैंने कहा सर मैं थिएटर भरूंगा, मेरे को ये करना नहीं है और मैं ये एम फिल कुछ नहीं करूंगा, मेरे को आप ले लीजिए। बोले मैं क्यों ले लूँ तुमको? मैंने कहा सर मैं यही करना चाहता हूँ। नो, यू आर वेरी गुड, यू मस्ट ज्वाइन NSD। मैंने कहा NSD तो होगा नहीं। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा आपके यहाँ जो PhD कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि NSD बहुत टफ है, वो गए थे उनका नहीं हुआ। मैंने तुमको देखा है प्लेस करते हुए, तुम्हारा होगा, वो शायद लिखा था। तो मैंने फिर भरा। उस साल बाबरी मस्जिद वाला दंगा हो गया हैदराबाद में बहुत भयंकर, तो मैं वो पोस्ट नहीं कर पाया एप्लीकेशन। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने भरा, तब तक MPhil ज्वाइन कर लिया था, फिर भरा तो मेरा NSD हो गया। अब वो लिखा था, पहुंच गए यहाँ। यहाँ पहुंचने के बाद पता लगा भाई कुछ नहीं आता, क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन लड़के सब आए तो उनको देख के मुझे लगा कि भाई, क्योंकि यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, और हिंदी मेरे जनरेशन में हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाते थे उड़ीसा के लोग। बोला यार कैसे होगा पता नहीं हो, तो मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया कि गलत हो गया। अच्छा तब तक मैं मैनेजमेंट छोड़ के आया था कोर्स, तो मैंने कहा भाई ये कैसे होगा क्या होगा। बट एनी हाउ 6 महीने में फिर मुझे एक दिमाग में एक ट्रिक आया कि आंध्रा में, क्योंकि मैं वहाँ था, आंध्रा में पो पो बोलो तो कुत्ता भाग जाता है, अंग्रेजी में गो गो बोलो तो कुत्ता भाग जाता है। तो मैंने कहा कुत्ता समझ जाता है लैंग्वेज, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आई स्टार्टेड फॉलोइंग माई बैचमेट्स कि कैसे वो हिंदी बोलते हैं, आर्टिकुलेशन में क्या तकनीकी क्या चीज़ है जिस वजह से मेरी हिंदी इनकी हिंदी जैसे कैसे सुनाई देगी। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट देयर लिप्स, क्योंकि वो डिक्शन क्लास मेरे को, मैं आज भी कह रहा हूँ डिक्शन क्लास मेरे लिए मीनिंगलेस था, क्योंकि एक हिंदी भाषी एक अहिंदी भाषी को हिंदी नहीं सिखा सकता, बिकॉज वो उसको ये डिफिकल्टी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। जो 20-22 साल मणिपुरी बोल के आया ड्रामा स्कूल, वो मणिपुरी लड़का आके फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो डायरेक्टर बन के चला जाता है, बट ही इनहेरेंटली इज एन एक्टर। एनी हाउ टू कट इट शॉर्ट, मेरे बैचमेट्स बोलते थे अबे क्या देख रहा है, क्योंकि आप अगर किसी को कंसिस्टेंटली उसकी होंठ को देखो तो लगेगा कि क्या कर रहा है, बड़ा वियर्ड लगता है। फिर रोल्स मिलने लगे, फिर लोग कहने लगे कि अच्छा हो रहा है। थोड़ा डर और बढ़ गया, क्योंकि जो कमरा जितना साफ हो जाता है उस कमरे में ज़रा सा कचरा पूरा दिखता है। सो जैसे जैसे आप सीखने लगते हो, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा कर रहे हो, और डर लगता है कि अगली बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो लोग कहते हैं मैंने ऐसे किया कैरेक्टर को, मैंने वैसे किया, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि मैंने क्या किया, क्योंकि हर बार करने के बाद तो लगता है हुआ नहीं, हमेशा लगता है कि नहीं हुआ। इसलिए अगर कोई डायरेक्टर कहता है मॉनिटर देख लो, लगता है सर आपने देखा आपको ठीक लगा ठीक, क्यों मैं देखूंगा, मुझे लगा मैं 25 बार और करूँ, आप मुझे करने नहीं दोगे। नंबर 1, नंबर 2 खुद को खुद की शक्ल अकल कभी पसंद नहीं आता। सो सब करते करते ड्रामा स्कूल हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद एक रेपेटरी कंपनी है NSD की, वहाँ मैं जॉब करने लगा 3.5 ईयर्स। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि मैं एक्टिंग स्टूडेंट था, पर मैं कुछ वहाँ पे राजनीति होती थी तो रोल्स किसी को मिल जाता था, हम लोग हंगामा करते थे, नए लड़के थे तो किसी को मानते नहीं थे, तो रोल देते नहीं थे हमको, सेट चेंज करने में लगा देते थे कि भाई, तो झगड़ा होता था। तो मेरे एक प्रोफेसर जो उन दिनों डायरेक्टर थे NSD के, प्रोफेसर रामगोपाल बजाज, उन्होंने, मैंने बाहर एक ग्रुप बनाई और एक प्ले डायरेक्ट किया, तो उन्होंने प्ले देखा और उन्होंने कहा कि भाई तू डायरेक्टर है। मैं कुछ बोला नहीं, बोले कि तू NSD के साथ प्ले कर। अब मुझे पास आउट होके 1 साल हुआ था, और NSD में पास आउट होके 10-15 साल जब आप काम कर ले तो तब शायद आपको NSD के लिए प्ले के लिए बुलाएंगे। तो मैंने कहा मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर करूँगा। देन आई डायरेक्टेड अ प्ले कॉल्ड ताजमहल का टेंडर, जो कि 24वां साल है, अभी भी NSD उसको प्ले करता है, सो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। वो भगवान की कृपा है, वो अगेन कि मैं कह दूं कि मैंने कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे जो उस समय लगा मैंने किया और लोगों को इतना अच्छा लगा मुझे नहीं पता था, लोगों को अच्छा लगा और वो चल रहा है। वो करने के बाद फिर मुझे मैंने छोड़ दिया जॉब, फिर दिल्ली में 10-12 साल मैंने ओनली थिएटर डायरेक्शन किया, फिर एक स्कॉलरशिप मिली, मैं लंदन चला गया, एक चार्ल्स ओरिस स्कॉलरशिप मिलती है ब्रिटिश काउंसिल की, तो उसमें जाके मैंने म्यूजिकल थिएटर डायरेक्शन में काम किया, क्योंकि म्यूज़िक मुझे विरासत में मिली थी तो मैं म्यूज़िक कंपोज करता रहा। 600-700 गाने मैंने थिएटर के लिए कंपोज किए हैं, तो मेरे म्यूज़िकल प्लेज में करता था, तो मैं म्यूज़िकल थिएटर करने गया। वहाँ फिर फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा था। फिर मुझे अचानक लगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राउन स्किन्ड हूँ, मैं यहाँ पे नाचना चाहता हूँ, मुझे कौन नचाएगा यहाँ?
मुश्किल है, सो आई मस्ट गो बैक टू माई कंट्री। तो मैं फिर वापस इधर आ गया। आने के बाद मैं लगा कि नाटक में मैंने कुछ जितना करना था मैंने कर लिया, क्योंकि इसके बाद नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि नाटक का प्रॉब्लम ये है कि नाटक इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। सो इंटेलेक्चुअलिटी और सूडो इंटेलेक्चुअलिटी इतना ज़्यादा हावी है कि कुछ का कुछ होता है। दर्शक भगाओ नाटक बहुत लोग करते हैं, दर्शक भगाओ, इसलिए नाटक पॉपुलर नहीं है। तो जैसे इप्टा का जिक्र उन्होंने किया, इप्टा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, कितने लोग वहाँ से सीख के आए, कितने कुछ हो के आए। मतलब अगर NSD एक तरफ है तो एक तरफ इप्टा है, पैरेलल इंस्टीट्यूट है, तो NSD से सीखने को बहुत मिला। बट एज अ थिएटर डायरेक्टर मुझे लगा कि एक पॉइंट के बाद मेरे पास साधन नहीं है, यहाँ 10 लाख का बजट चाहिए, बजट ही नहीं है। तो मुझे लगा मैं कुछ और करूँ, फिर बॉम्बे भाग गया। कौन पूछेगा बॉम्बे में, मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला यहाँ तेरे को काम ढूंढ रहा है, तू जाके जीरो हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा है, जीरो हो जाएंगे तो और सीखेंगे। वहाँ गए इधर उधर कि भाई डायरेक्ट करना है, किसी को जाके बोला डायरेक्ट करूँगा, बोले तू ड्रामा स्कूल का लड़का कैसे फिल्म कर सकता है, कैसे फिल्म बनाओगे। मैंने कहा सर कैमरा दोगे तो बन जाएगा। बोले तुम लोगों को एडिट पता है, एडिट एडिट। मैंने कहा हाँ एडिट पता है, एडिट पता है का लंबा बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ एडिट पता है। मैंने कहा सपोज एक डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, सपोज आपका पर्दा उठता है, बोला एक ही शॉट है, एक ही फ्रेम है। मैंने कहा गलत है, झूठ बोल रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पर्दा उठने को आप कहते हैं ना एक ही फ्रेम है। मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ कि पर्दा उठा, एक डेड बॉडी पड़ी है और लोग बाहर खड़े हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। सो मास्टर शॉट लग गया, आप जान गए कि अच्छा समबड़ी हैज़ डाइड और ऐसा हुआ है, उसके आसपास के लोग खड़े हैं, कौन क्या है नहीं पता, बट एक एम्बियंस एटमॉस्फेयर आ गया, मास्टर शॉट आ गया। उसके बाद उसने किसने बोला कि फिर अभी अगर मनोहर आएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या बोले, तो आपको समझ में आ गया कि मनोहर, जब उसने आदमी ने बोला मनोहर आएगा तो क्या आप डेड बॉडी को देख रहे थे, आप उस आदमी को देख रहे थे। सो आपने क्लोज लगाया डायरेक्टर ने। उसके बाद अगर डायरेक्टर ने बोला उसको कि वो बोल के तू करके रो दे, तो एकदम बिग क्लोजअप जिसको बोलते हैं, आप हाथ और उसका चेहरे को देखते हैं। इतने में एक आदमी आया और बोला माँ आपने ऐसे देखा, आप ऐसे देखते हो, वो पैन किया कैमरा, वो माँ कह के जब उसने देखा माँ को, तो आप डेड बॉडी को, इंसर्शन हुआ, इंसर्ट लगा। उसके बाद वो चल के आया, आप बाकी लोगों को नहीं देखते, उस आदमी को देखते हैं, फिर वो बैठा, फिर टू शॉट बना, फिर जब वो हाथ लेके रोने लगा, माँ का हाथ लेके गाल के पास, अगेन बिग क्लोजअप हुआ। मैंने कहा बेकार की बातें मत करो कि हमको एडिटिंग नहीं आता। मैंने कहा फालतू बातें कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग ना सिनेमा की है ना थिएटर की है, क्योंकि आप भगा रहे हो, क्योंकि एक ईगो लेके हम बैठते हैं, हम थिएटर से हैं इसलिए ये क्या थिएटर करेंगे, या हम फिल्म वाले हैं ये क्या फिल्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनी हाउ बात बनी नहीं, कहीं कहीं गया कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास गया कि मैं असिस्ट करना चाहता हूँ, किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ, उन्होंने रखा ही नहीं। फिर मैं चला गया उड़ीसा, वहाँ जाके मैंने जो पैसे मेरे पास थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैंने एक फिल्म लिखी, फीचर फिल्म, और उसको मैंने डायरेक्ट किया, और मैंने अपने पैसे लगा दी जो भी मेरे पास था, और इधर उधर से कुछ लिया। तो फिल्म को बेस्ट फिल्म ये वो कई फेस्टिवल्स में भी गया, धौली एक्सप्रेस नाम से फिल्म है, 2007 में 5 स्टेट अवार्ड मिला, सब कुछ मिला, बट मैं बैंकक्रप्ट हो गया, क्योंकि सब पैसे वैसे खा के कहीं भाग गए, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि प्रोडक्शन वाला कैसे पैसा खा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, आई हैड नो नॉलेज, सो आई लॉस्ट ऑल माई मनी। उसके बाद मन नहीं भरा था, फिर कहीं से और पैसा लेके मैंने सेकेंड फिल्म करी 2 साल के बाद। उसके बाद मैं 50 लाख डेट पे आ गया। उसके बाद मैं मुंबई भागा, मुझे किसने सजेस्ट किया कि डेली सोप करो तभी तुमको पैसा मिलेगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। मुझे लगा 50 लाख रुपए लोगों को देना इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, मैं पिटूंगा बुरी तरह से, मरूंगा तो नहीं, सुइसाइड तो नहीं करूंगा, पर मैं पिटूंगा, मारेंगे मुझे आके। एनी हाउ कोई कहीं डेली सोप का भी मौका मिल गया, तो फिर मैंने 2 साल डेली सोप किया, 5.5 लाख की जॉब मिल गई एज अ डायरेक्टर। तो मैंने ऊपर वाले की कृपा है कि 1 साल में मैंने वापस कर दिया, 2 साल वो किया, फिर सावधान इंडिया शुरू हो रहा था, सावधान इंडिया डायरेक्ट किया मैंने, सर को भी डायरेक्ट किया एक सीरियल में, सिनेविस्टा का एक सीरियल होता था जाने पहचाने अजनबी, उसमें जासूस का रोल करके आए थे, मैंने इनको डायरेक्ट किया था, ये किया था 2010 में। तो वो हुआ, सडनली मेरा एक बैचमेट मेरे घर आता है 2014-15 में, तब मैंने एक हिंदी फिल्म करी थी तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, जो जियो में है और किसी में, छोटी बजट की फिल्म थी। उसने बोला यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम एक्टिंग स्टूडेंट रहे, तुम क्या कर रहे हो यार। मैंने कहा क्या हो गया, तुम डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट तो तभी होगा जब सलमान भाई आएंगे, तब तो तुमको कोई पहचानेगा, ये सब फिल्म कौन देखता है यार, तो तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने कहा एक्टिंग कौन अब देगा, अभी मैं मतलब 24-25 साल में निकलते हो तो अलग एनर्जी होती है,
अब मैं कहाँ जाके बोलूँगा मुझे एक्टिंग करनी है और पीछे खड़ा हो करेंगे, मैं यू विल बी नोटिस्ड और ऐसा ऐसा। और उसने मुझे काफ़ी पेपअप किया, बोला कि दो तो बहुत अच्छे एक्टर होते, दो तो बहुत अच्छे एक्टर होते थे बैच में, एक सिद्दीकी, नवाज सिद्दीकी हैपेंस टू बी माय बैचमेट, तो दोनों तो तुम होते थे। मैंने कहा तूने कभी नहीं बताया था। कह रहा तब बच्चे थे ना तो जलते थे, तो अभी मैं तुझे बता रहा हूँ यू आर अ गुड एक्टर। मैंने कहा अच्छा, तो बोला तू एक्टर। फिर मुझे उसने अगले दिन भी फ़ोन किया, वो शायद परमात्मा ने उसको बुलवाया कि मुझे शायद ये भी करना है। अच्छा बुरा अलग बात है, पर शायद ये भी एक एक्सपेरिमेंटेशन है आपके साथ, आपको जो स्किल भगवान ने दिया है। देन मैंने फिर मुकेश को अप्रोच किया, मुकेश मुझे जानता था एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम। तो बोला भैया वो तो सब ठीक है लेकिन ऑडिशन के लिए बोलेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं कहा क्यों बुरा लगेगा, मुझे कोई जानता नहीं है। देन धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर वो एक के बाद एक के बाद एक, जैसा भी मुक्काबाज, शुभ मंगल सावधान ये सब। सो दसवीं भी ये क्या, मुक्काबाज भी मुकेश का था, शुभ मंगल भी मुकेश का था, वो सब था। तो करते करते फिर वो चलता गया। नटशेल में यही है, मतलब ओवरऑल जर्नी यही है कि गांव से उठ के आए, गट्स नहीं था बोलने के लिए, लेकिन सडनली नसीर साहब दिखे, फिर उसके बाद सीरियसली एक्टिंग को परस्यू करना कि ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, वो कैसे होगा, कैसे जानेंगे, जान पाएंगे नहीं पता नहीं, बट वो जो एक उत्साह है वहाँ से बना। और साथ में बच्चन साहब की फिल्मों को देख के पागल हो जाते थे कि भाई ये आदमी क्या करता है, मतलब जादू है कैमरा के सामने। तो ये दो अलग अलग स्कूल जो है बार बार प्रोवोक कर रहा था कि आई हैव टू डू दिस। सो जो मैं अभिनय करना चाहता था वो गट्स नहीं होने के कारण वो बंद था। ये मेरा बैचमेट आके मुझे चाबी भरा 2014 में, तो फिर मैं ये करने लगा सारा। आपने सीरियल की बात की, मैं सर आपको बताना चाहती हूँ मुझे बहुत पसंद था कुछ रंग प्यार के ऐसे। जी जी जी, रोज देखती थी मैं वो जो सोनी पर आता था, और आपने जो राधा रानी के हस्बैंड का रोल निभाया और उसमें फिर सुप्रिया पिलगांवकर जी भी थी, तो बहुत अच्छा सीरियल था वो सर। मैं अब आप दोनों से एक शख्स का नाम जानना चाहती हूँ जो शुरुआती दिनों में आपके लिए जैसे मेंटोर की तरह, या जो आपको बताता है ना कि एक्टिंग ऐसे है ऐसे नहीं है, या आपको थोड़ा सा कोई गाइड कर देता है, गॉड फादर तो नहीं, कितने लोगों के नहीं होते इंडस्ट्री में, बट शुरुआती दिनों में वो एक इंसान जो आपके लिए बहुत ऐसे बड़ा सहारा बन गया या जिसने आपको गाइड किया। वैसे तो बहुत से लोग लाइफ में आते हैं, लेकिन मैं जैसे कि मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैं तो वहीं से शुरू करूँगा ना, जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुंबई जाओ, जिन्होंने ये मुझे कहा कि फिर वहाँ जाकर इप्टा ज्वाइन करो, थिएटर ज्वाइन करो, जो हमेशा मुझे गाइड किया करते थे और जो मुझे जो भी मैं काम करता था उसके बारे में बताया करते थे कि यार तुम्हारा ये रोल मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा और ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था। वो मिस्टर सुरेश जरगर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई आया, मुंबई आकर के मुझे जिन लोगों ने इम्प्रेस किया और जिन लोगों ने मुझे गाइड किया और जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, उनमें से महेश भट्ट साहब है एक, तो जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया और पहचान दी, और आपने देखा होगा कि हर फिल्म में मुझे डिफरेंट रोल दिया उन्होंने हर फिल्म में, तो एक शायद उन्होंने मुझे पहचाना या जो भी है ना, अब तो वो उनको कह सकता हूँ मैं, और वो तो डायरेक्टर हो गए। लेकिन एक्टर्स में मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा, आमिर खान में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो फिल्म के बारे में सोचते हैं, सीन के बारे में सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि जितने भी करेक्टर इस सीन में है या इस फिल्म में है सब अच्छा काम करें। आपने देखा होगा कि हमें रहे प्यार के जूही चावला के साथ, मतलब वो आदमी अपने बारे में कम, अपने करेक्टर के बारे में जितना सोचता उससे कहीं ज्यादा को आर्टिस्ट के बारे में सोचता। वो साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ, अकेले हम अकेले तुम, बहुत जल्दी शुरू कर देता हूँ। आई वॉज प्लेड लॉयर फॉर आमिर खान, है ना, परेश रावल लॉयर थे मनीषा कोइराला के, फेमस स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। एक छोटा सा सीन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर कि वो सीन हुआ तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाई आमिर खान, ही सेड मंजूर यार ये सीन मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, जो पॉइंट है ना जो मेरा लॉयर कह रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ, वो क्या हो सकता है,
तो बोले नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो ये सेट तो क्या हो सकता है, वही मैं सोचा हूँ कि हम लोग सोचें क्या हो सकता है, इसको शूट मत करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये शूट करना मुझे बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास बाकी सब आर्टिस्ट हो, मेरे पास सेटअप भी नहीं है, स्टूडियो भी नहीं है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, इसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं। मसूर का प्लीज़ लेट मी शूट, प्लीज़ लेट मी शूट ये सीन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो देख लेंगे बाद में, यार कर देते हैं, तो शूट कर लिया। लेकिन उस आदमी ने छोड़ा नहीं उस सीन को, जबकि वो सीन मेरा था। तो नीरज वोरा हुआ करते थे एक्टर डायरेक्टर, उनकी डेथ हो गई, वो भी उस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे और राइटर भी थे। तो वो 6 बजे हमारा पैकअप हुआ और 6 बजे पैकअप का तो हम घर चले गए। 8 बजे आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम आमिर, मुश्ताक साहब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर घर पहुंच गए। मैंने कहा जी घर पहुंच, सोते कितने बजे? 10:30-11 बजे तक। ठीक है ठीक है ठीक है, वी गॉट द पॉइंट ही सेड, वी गॉट द पॉइंट और हम उसको लिख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम आपको बता दें सीन। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया, फिर बोलते कि हमने सीन लिख लिया है, ओके ऑलमोस्ट सीन लिख लिया है हमने। तो तब 9:30-10 बजे थे, तो बोले फिर हम आ रहे हैं आपके पास सीन लेके। ऐसे आमिर आप, आपको हकीकत बता रहा हूँ ये बात में, और मैं उस वक्त मतलब अंधेरी वेस्ट में मॉडल टाउन हुआ तो करता था, एक मेरा एक छोटा सा फ्लैट था, उसमें 1 रूम किचन ही कह सकते हो आप उसको, उसमें मैं रहता था अपने 2 बच्चों के साथ बीवी के साथ। एंड मैंने कहा एक काम करो आप अपने ड्राइवर को फ़ोन दो, मैं अपना एड्रेस समझाता हूँ उसको एंड वो मुझे लिख करके दे देगा, वो सीन दे देगा, मैं पढ़ लूँगा। तो वो चाहते थे कि सीन आप सीन पढ़ के और सीन समझ के सोएं, क्योंकि कल सुबह मैं इसको रीशूट करना चाहता हूँ। अच्छा आप प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ड्राइवर को फ़ोन दो। तो ड्राइवर को फ़ोन दिया, ड्राइवर को मैंने अपना सब पूरा एड्रेस समझाया कि ये आप सीन ले आओ, मैं पढ़ के 2-3 बार पढ़ के मैं सोऊंगा, ठीक है ओके। तो उसके फिर कट हो गया फ़ोन, 11:30 बज गया, 12 बज गया, मैं अब कौन आएगा देखते हैं कल करेंगे। 12:15 बजे बेल हुई, दरवाज़ा मैंने खोला, ड्राइवर सामने खड़ा हुआ था, मैं लाओ सीन। बोले नहीं सीन तो नहीं है। तो मैंने क्यों आए? साहब नीचे खड़े हुए आमिर खान 12:15 बजे रात में मेरी सोसाइटी में सीन लेके खड़े हुए। This is fact I'm telling. क्या commitment है ना? ये मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हकीकत बताऊँ। और उस आदमी ने, और I remember very much, अब मेरी सोसाइटी के लोग सब बालकोनी में आ गए थे, आमिर आमिर आमिर, and he didn't care, और बाहर खड़ा हुआ है निकर पे, I remember, मैं सिगरेट पी रहा था, और मुसाफ साहब सॉरी 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 सॉरी, अरे मैंने कहा आमिर भाई आप यार 12:15 बजे यार आइए आइए मेरे घर। मैंने कहा मेरे बच्चे भी सो गए, नहीं 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 ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, घर में नहीं गए थे। तो गेट में जो लैंप पोस्ट होता है वो जो उसके नीचे खड़े होकर आइए बोलो सीन, मुझे पूरा सीन सुनाया, ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा हमारे वाकई कमाल का सीन लिख के लाया था, 1.5-2 पेज का सीन था, पूरा सुनाया और मुझे समझाया कि देखो ऐसे 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 ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप 2-3 बार। मैंने कहा सर मैं आपने जो मुझे दे दिया है आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको 2-3 बार रिवाइव करूँगा और पूरी तैयारी के साथ सुबह आऊँगा। आमिर खान जिसका मैं बहुत बड़ा एडमायर। मैं बहुत खुश हूँ आपने हमें ये कहानी बताई। आज उनके साथ जो हो रहा है उनकी फिल्म को लेकर, जो लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो लाल सिंह चड्ढा, और वो लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म देखें, प्लीज़ मेरी फिल्म ना बॉयकॉट करें, तो आपने ये बताया बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि वो क्यों इतने बड़े एक्टर हैं, इतने लेजेंड हैं। वो जितनी मेहनत करते हैं और जितनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं बहुत कम लोग मैंने देखा है। देख आमिर खान, बच्चन साहब आल्सो, अमिताभ बच्चन भी बहुत 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 डेडिकेट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं 100% कहता हूँ कि आमिर खान जैसा एक्टर, ही इज़ नॉट आफ्टर मनी फ्रेंकली स्पीकिंग, वो अलग बात है पैसे वैसे की बात, बट जहाँ तक काम का सवाल है, कमिटमेंट का सवाल है, मैंने जितनी भी फिल्में उनके साथ 4-5 फिल्में की हैं मैंने आमिर खान के साथ, बहुत इन्जॉय किया है मैंने, और मैंने ये देखा है कि पूरी मेहनत करते हैं वो अपनी फिल्म को अच्छी बनाने में, और को आर्टिस्ट भी उनके जो है कि वो बराबर का सीन आए, मज़ा आए, सब कुछ हो, और जो तुमको जो जिसके हिस्से में काम आया वो अच्छा करे और उसकी तारीफ और वो कंट्रीब्यूट करे फिल्म को। थैंक यू ये बताने के लिए। तो आपकी जर्नी में शुरुआती दिनों में कोई ऐसा कोई एक शख्स का नाम? एज एन एक्टर अगर मैं सोचूं तो ड्रामा स्कूल जाने के बाद बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, बट प्रसन्ना करके एक हैं जिन्होंने
एक्टिंग पे एक बुक भी लिखी है, काफ़ी फेमस है वो बुक। और उन्होंने थर्ड ईयर में हमारे साथ एक प्रोडक्शन किया था, प्ले डायरेक्ट किया था आखिरी किताब के नाम से। उनसे वो अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा, एज एन एक्टर बहुत सीखा, एज अ डायरेक्टर बहुत सीखा। और वो मुझे बहुत बहुत शुरुआती तौर पे मुझे बहुत सारी बातें उनकी याद आती थी कि ऐसे 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 ऐसे। वो जैसे आप अगर डॉक्टरी करते हो तो पहले याद रखना पड़ता है ना कितनी हड्डियाँ हैं, कहाँ हार्ट है, क्या है, बाद में तो प्रैक्टिस है। सो वो बहुत, और मेरे जो संगीत के गुरु थे भास्कर चंद्र दास जी, उनसे जीवन को कैसे बिना झूठ के, बिना किसी के जेब काट के, बिना लगे लपटी बात करके, वो गलत भी हुआ थोड़ा क्योंकि स्ट्रेट बोलने से बहुत दिक्कत होती आई है, आगे भी होगी, बट उनसे मैंने ये सीखा क्योंकि मैं 15 से 20 साल की उम्र, 5 साल उनके घर पे रह के म्यूज़िक सीख रहा था और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। सो नेचुरली मेरा बड़ा ही ऐसा एज था कि उनका इम्प्रेशन पूरा मेरे चरित्र पे रह गया। सो ये दो लोग बहुत हैं। और बाकी ओवरऑल देखूँ तो जैसे बाकी लोगों के होते हैं, मेरे पिता मेरे गुरु हैं, अल्टीमेट गुरु वो हैं। लेकिन ये जो दो आयाम है जीवन के, ये जो दो अलग अलग हिस्सा है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मेरा आखिरी सवाल, ऐसा आपकी करियर जर्नी में कौन सा वो एक मोमेंट था जिसके बाद आपको लगा आई हैव अराइव्ड, लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मुझे फोटो और ऑटोग्राफ के लिए रोक रहे हैं, ऐसा कौन सा वो मोमेंट था? सर बताएंगे पहले? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ उस बारे में, बहुत ही छोटी सी है। जैसे ये तो कनेक्टेड हो गया कि एक एक्टर है जो कि आपका एडमायर, जिससे आप एडमायर और या फिर जिससे आपने सीखा कुछ या गुरु जो भी है। कभी कभी देखना दिशा जी, एक ऐसा आदमी जिसे जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो वो एक्टर है, ना वो डायरेक्टर है, ना वो राइटर है, फिल्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपका गुरु हो सकता है। मेरे ऐसे दोस्त है करीम जुल्फा, जिनकी एक छोटी सी दुकान थी पॉपुलर मिल्क सेंटर, जहाँ हम लोग जाते थे, वो चाय पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। वो आदमी कमाल, मतलब मुझे जो जो भी मेरा नाटक देखता था या छोटे मोटे सीरियल देख करके मुझे जो मुझे गाइड करते थे ना, वो कमाल होते थे, बहुत अच्छे होते थे। तो मतलब एक उनमें भी एक अलग एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो तो एक ऑडियंस हो गई ना, बट उनमें एक कमाल की बात होती है। अभी कुछ कौन सा सवाल किया था आपने? आपके फिल्म जो करियर और जर्नी है उसमें कोई ऐसा मोमेंट जिसके बाद आपको लगा कि आई हैव अराइव्ड, अब तो मतलब बना चुके हम नाम। बहुत भूख लगी थी मुझे, सुबह सुबह का वक्त है। क्या होता है, सबसे बड़ा मुश्किल क्या हो जाता है, जब आपके आप थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं और आपके पास कुछ पैसे वैसे होते नहीं है, ना तो फ्लैट होता है, ना कुछ गाड़ी होती है, ना कुछ, और इतना भी पैसा नहीं होता है कि आप ऑटो कर सकें, समझे। बहुत भूख लगी थी, तो मैं अब जहाँ रहता था वहाँ से निकल करके मैं उस ODP में गया, जहाँ पर कि मैं थोड़ा नाश्ता करता था। और मेरे फिल्म, हाँ मेरी फिल्म आशिकी, आशिकी फिल्म जो मैंने भट्ट साहब के साथ की थी, पहली आशिकी जिसके गाने बहुत ज़बरदस्त हिट थे, आज तक हमें याद है, राहुल रॉय। जी जी जी, तो वो हो गई थी और अच्छी खासी हिट हो गई थी वो। उसके पहले कुछ जुनून और इस तरह की एक दो फिल्में और आ चुकी थी, थोड़ा बहुत हो गया था। तो जब तो मैं गया अपना नाश्ता बिंदास होके, मैंने भूख लगी हुई जाके ऑर्डर दिया, मैंने कहा यार एक मसाला डोसा बना दे और ये कर दे थोड़ा फटाफट, तो बैठे हुए जब तो सामने से देखा तो ये तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, अरे भाई तुम तो यार कल रात में तो देखा तुमको, ये अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा रे वो तुम वो काटता ना, और उसके बाद उसको डांटता उसको, हैं बड़े बाप के पिल्ले बोलता है, तो डायलॉग बोल रहा था उसमें। अरे यार मैंने कहा यहाँ तो मैं बैठ नहीं पाया, फिर ऑर्डर कैंसिल करके भागा। नहीं मतलब अब कैसे करोगे आप, फिर सब लोग देख रहे हैं आप लोगों को, तो अब कैसे खाओगे आप? ऐसे इंसिडेंट हो जैसे कि अब आप टैक्सी नहीं कर सकते, ऑटो नहीं कर सकते, तो आप बस में जाएंगे, आप तो बस में चढ़ गए, आप बस में चढ़ गए तो बस खड़े हुए बस में, ये तो ये हुआ। लेकिन जब वहां से उतरे तो खुशी हुई कि यार लोग अपने को अब पहचानने लगे, थोड़ा सा जीना मुश्किल हो गया बट पहचानने लगे लोग। आपके लिए ऐसे कब हुआ? हाँ मेरा भी यही सेक्रेट गेम्स के बाद होने लगा,
लोग पहचानने लगे और यूं यूं देखने लगे, फिर यूं देखने के बाद फिर चला गया थोड़ा आगे, फिर उधर से यूं देखा, फिर आके बोला कि आप उसमें त्रिवेदी बने थे क्या? मैं कहा अच्छा अच्छा एक सेल्फी ले लूँ क्या? मैंने कहा दो ले ले भाई। बट जर्नी क्योंकि इतनी बड़ी है और होनी भी चाहिए, तो ऐसा लगा नहीं कि दैट आई हैव अराइव्ड, कि अभी भी लगता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, हो भी पाएगा कि नहीं और कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चलता रहता है। सो क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें और है जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने किसी को एक बात चली थी कि वो बन गया ये बन गया, ऐसे से बात हो रही थी जैसे होता है एक्टर्स में, तो मैंने कहा भाई ऐसा है जो नाग है उसके सामने जैसे बिन लेके वो फन उठाएगा, अजगर के सामने करोगे वो यूं ही पड़ा रहेगा क्योंकि उसका स्पाइन खराब हो जाएगा, वो फन ही नहीं उठा सकता। सो नाग को बिन बजाने वाले को आना पड़ेगा नाग के पास, फिर वो उसको लेके जाता है, फिर उसको पिटारे में डालता है, उसको 3 BHK मिल गया, वो बिल में नहीं रहेगा, उसको ले गए, फिर आपने जाके डमरू बजाया, फिर लोग इकट्ठा किया, उसके बाद उसको लोगों को इकट्ठा करने के बाद आप पिटारा निकालते हो, एक प्रोसेस है, उसके बाद फिर ये करते हो, फिर वो यूं यूं करता है, फिर पैसा मिलता है। सो एक्टर्स का वही हालत है, मुझे कोई ले ले, उसके बाद वो पिक्चर बना दे, उसके बाद वो इन लोगों को इकट्ठा कर ले, पब्लिसिटी कर ले, ये कर ले, जो सब मुश्ताक जी ने कहा कि भाई ये निर्देशक मिले मुझे, उन्होंने शायद पहचान लिया, भट्ट साहब का नाम लिया, ये पहचान लिया, तो वो सब नहीं होता तो मुश्ताक जी यहाँ नहीं बैठे होते। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके अंदर की जो संभावनाएँ हैं उसको एक्सप्लोर करने वाला कोई और होता है। आप आइसोलेशन में केवल नॉवेल लिख सकते हैं, नॉवेलिस्ट का काम अलग है, बट एज एन एक्टर आपको चाहिए एक माध्यम चाहिए, तो वो सब है। तो बाकी ये जो लोग पहचान जाते हैं वो सब ठीक है, उससे नहीं लगा कि आई हैव अराइव्ड, मुझे ये लगता है कि माइल्स टू गो बिफोर आई डाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बिफोर आई डाई नॉट स्लीप। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना वक्त निकाल के आपने इतने सारे किस्से बताए, इतना बेहतरीन खूबसूरत अनुभव रहा है मेरे लिए इनसे बात करना। जैसे कि टाइम में हम वापस पीछे चले गए, जैसे खुद हम फिल्म सेट पर थे और ये सब देख रहे थे, तो आई होप मुझे जितना मज़ा आया है इनसे बात करके आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। खास करके मुश्ताक जी से बात करके आपको लगा होगा टाइम में पीछे चले गए, क्योंकि मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने किस्से सुनाए बताए सारे, इतना अच्छा लगा ये सारा सुनकर, तो आई होप आपको भी। और ये भी मेरा लक है कि मैं मुश्ताक जी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और मुझे इतना कुछ, क्योंकि हम इतना कुछ उनके मुंह से सुनने का, ये भी एक प्लेटफॉर्म आपने जो आज माहौल बनाया, ये बहुत। मेरे पास तो बहुत सारे किस्से, इतने सारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, मेरा तो मन मैं आपको रहा, बोलेंगे आप शाम तक बैठे रहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। वही आप मेरे बगल में बैठे रहे, हम चाय समोसा लेकर आए और बातें करें विस्तार से। बट डू लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आपके लिए ऐसा और कॉन्टेंट लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। धन्यवाद।